देखो आप, मैनेजर बिकम अ पार्टनर होता क्या है नॉर्मली, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ है, क्यों होता है, ये देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो एक पार्टनर है एक्स और एक पार्टनर है वाई। सपोज करो इसने 1990 में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जब अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस का नाम होगा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म एक 1990 में इसने स्टार्ट किया। पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के बाद हुआ क्या, नॉर्मली देखा जाए जैसे ही पार्टनरशिप फर्म मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करते समय से अब तक जो था हमारा टोटल, कोई ना कोई एक मेरा इंप्लॉय साथ में रहा होगा, कोई भी एक इंप्लॉय। तो एक्स और वाई पार्टनर है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1990 में और ये एक पार्टनरशिप फर्म था, और जब ये पार्टनरशिप फर्म था तो एक इसका एम्प्लॉय था मिस्टर राम। मिस्टर राम, एक एम्प्लॉय था मिस्टर राम। अब मिस्टर राम जो है ये इसका शुरू से एम्प्लॉय है, हर काम में, हर एक्टिविटी में, हर वर्क में मिस्टर राम पार्टिसिपेट करता है। इनफैक्ट मिस्टर राम की वजह से फर्म का कई बार नुकसान होने से भी बचा है। तो 1990 से लेके अब तक 26-27 साल हो गए, तो क्या इस फर्म का मिस्टर राम के ऊपर फेथ होगा? जरूर होगा कि भाई फेथ है, चलो कोई बात नहीं। इसका रेशो क्या हुआ करता था, सपोज करो इन दोनों का जो रेशो था वो 1:1 था, ठीक है। लेकिन जब ये मैनेजर था शुरू से लास्ट तक तो कुछ ना कुछ देते होंगे, तो मैनेजर था तो इसको हम क्या देते थे, इसको देते थे 6 लाख रुपए सैलरी साल का और इसको देते थे 2 लाख रुपए कमीशन, यानी इसको कितना मिला करता था, 8 लाख रुपए मिल जाया करता था। स्टोरी मोरल ओवरऑल क्या है, दो पार्टनर है पुराने टाइम से, एक पुराना वफादार इसका नौकर है, वो नौकर क्या करता था यहाँ पे जॉब किया करता था, जो कि एज अ किसके मैनेजर। जब मैनेजर बिकम हुआ तो उसको क्या मिलता था, 6 लाख सैलरी और 2 लाख रुपए कमीशन, टोटल कितने हो गए, 8 लाख रुपए उसके हिस्से में आया करता था। ए और बी ने डिस्कस किया, ए बोलता है यार इसको एक काम करते हैं ना, मैनेजर बना लेते हैं, मैनेजर तो है पार्टनर बना लेते हैं। बी बोलता है नहीं यार इसे पार्टनर नहीं बनाना। तो आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होते तब तक वो काम नहीं होता। फिर भी ये जो था ये इसके घर पे भी जाया करता था, इसके फैमिली फंक्शन में भी जाया करता था, हर जगह पे जाया करता था। फिर बी ने भी सोचा या वाई ने भी सोचा कि हाँ चलो पार्टनर बना लिया जाए, मैंने गलती बोल दी, हाँ एक्स और वाई है, ठीक है। तो फिर मिस्टर राम को वाई ने बोला चलो बना लो यार पार्टनर, लेकिन जो राम है ये बहुत ज्यादा चालाक है, ये जो है एक चालाक इंसान है, और इसके अंदर सबसे पहले चालाकी, चालाक इंसान उसी को बोलते हैं जो पैसे के ऊपर हमेशा ध्यान रखता है। इसने माइंड में क्या सोचा, इसको बनाऊंगा पार्टनर तो प्रॉफिट बटेगा तीनों में, प्रॉफिट तीनों में बटेगा तो मेरे हिस्से पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 लाख है तो दोनों, 9 लाख है तो दोनों बांटते थे कितने, 4.5-4.5, अगर 9 लाख है तीनों को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3-3-3, 1.5 लाख का नुकसान। वाई ने बोला भाई इसको पार्टनर बना तो लेके, लेकिन दिक्कत है मेरे प्रॉफिट कम हो जाएगा। बोला कैसे, बोला देखो पहले मान लो हमारा प्रॉफिट जो हुआ वो कितने का हुआ, 36 लाख का, सपोज इसके हिस्से में कितना गया, 8 लाख, पहले तो ये खर्चा है ना इसका पीएनएल में, 8 माइनस हो गया बचे कितने, 14, इसके 28, इसके हिस्से में कितना आया, 14-14 लाख। तो वाई बोलता है मुझे 14 लाख रुपए मिला करता था, इसको ये क्या है इस टाइम पे एज अ क्या काम कर रहा है, मैनेजर। बोला तो क्या दिक्कत हुआ, बोला भाई देखो मेरा प्रॉफिट पे अगर फर्क पड़ा ना, मेरा प्रॉफिट अगर इसकी वजह से कम पड़ा तो इसका रिस्पॉन्सिबल एक्स आप होगे, मतलब इसको अगर 8 लाख से ऊपर दिया जाए प्रॉफिट, गलती से आ जाए इसके हिस्से में कितना, 8 लाख रुपए से ऊपर, तो फिर 1 लाख का नुकसान किसके हिस्से में गया, दोनों के। लेकिन बोलता है मैं अपने हिस्से का बियर नहीं करूंगा, कौन करेगा, सिर्फ ये पार्टनर। तो सपोज करो अब ये मैनेजर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा पार्टनर, और पार्टनर बनते ही इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब मिला तो इसके हिस्से में आया कितना, 9 लाख रुपए, और इन दोनों में बटा कितना, 13.5 और 13.5।
कितना है इसके हिस्से में, 9 लाख, और इसके में 13.5 लाख, 13.5 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना कंसिडर किया, 36। अब वाई जो है वो बोलेगा भाई देखो हो गया ना नुकसान, पहले कितना लिया करता था 14 लाख, अब कितना आ गया 13.5। तो मैं नहीं जानता आपने रखा है इसको 9 लाख दो, 10 लाख दो, मुझे मतलब नहीं है, मेरे 50,000 कम पड़ रहे, दे दो। एक्स बोलेगा चलो भाई ये लो 50,000, मैं अपने माइनस कर देता हूँ और 50,000 आप में क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। अब 14 लाख मिल गया, अब जो ये हमारा होगा ये खुश हो जाएगा, बोलेगा मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे पार्टनर बनाओ, मैनेजर बनाओ, रिश्तेदार बनाओ, मुझे क्या मतलब है, मेरे प्रॉफिट तो 14 लाख पहले भी लिया करता था, 14 लाख अब भी मिल रहा, नुकसान किसका हुआ, एक्स का। लेके कौन आया था, एक्स ही तो लेके आया था मेन, वही तो फोर्स कर रहा था। तो ये हमारा है मैनेजर बिकम अ पार्टनर। जब मैनेजर पार्टनर बनेगा तो एक पार्टनर ऑब्जेक्शन करेगा कि भाई मेरे प्रॉफिट के हिस्सेदारी में चेंजेस नहीं आना चाहिए, और उसी के प्रॉफिट को कैलकुलेशन करके हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं। तो कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो हम अभी सीखेंगे वो इसी पे क्वेश्चन करेंगे, इसी पैटर्न पे। तो कॉन्सेप्ट पहले देखो क्या हम सीखने वाले हैं, मैनेजर बिकम क्या हो जाएगा, जैसे ही पार्टनर बनेगा तो प्रॉफिट का हिस्सा उसके पास क्या जाएगा, जो पहले मिला करता था उससे ज्यादा या कम, ज्यादा जाएगा। जब ज्यादा जाएगा तो किसी एक पार्टनर को तकलीफ होगा, उसके तकलीफ को दूर करने के लिए दूसरा पार्टनर अपने हिस्से में से उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, दूसरा पार्टनर भी खुश और वो भी खुश। ठीक है, क्लियर। तो चलो एक क्वेश्चन आपके बुक का ट्राई करेंगे हम, और आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 85 ट्राई करते हैं, देखें, पढ़ू क्वेश्चन को। हाँ जी, कहता है ए एंड बी आर पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। यहां पे पार्टनर है ए और बी, ध्यान से देखना, ए और बी पार्टनर है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इसके बाद सी देयर मैनेजर, और सी एक मैनेजर है, मैनेजर होने के बाद एज अ पार्टनर इफेक्ट 1 अप्रैल 2018 1/4 शेयर प्रॉफिट। सी क्या है हमारा, मैनेजर है, लेकिन उसे बोला गया 1 अप्रैल से चलो यार इसको क्या बना लेते हैं, लेकिन इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1/4। तो हमें, हमारे पास एक न्यू रेशियो आ जाएगा, न्यू रेशियो क्या आएगा इसका, ये अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, मैं अभी फिलहाल के लिए बता देता हूं इसका तीनों का रेशियो बनेगा क्या। आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा ज्यादा टेंशन नहीं लेना न्यू रेशियो कैसे निकाला है, बस ये समझ लो न्यू रेशियो आएगा क्या। मैंने लिखवाया था ना न्यू रेशियो लास्ट क्लास में, लिखा न्यू रेशियो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 85 का 9:6। ये इसका था या किसी और का था, 85 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये नहीं है, 1/ क्या है इसका, 4। ठीक है, 9:6:2 क्या था, 9:6:5 चार निकाल ही लेता हूं, कुछ और लिखवाया होगा या तो मैंने, 3/4 5। ठीक है, ठीक है, रेशियो 9:6:5 ये रेशियो आ गया। आप, मैं यहां पे सॉल्यूशन इसलिए नहीं करके दिखा रहा, आपको ध्यान ही नहीं देना है कैसे आया, आने वाले चैप्टर के अंदर पूरा एक रेशियो का चैप्टर है जहां पूरा सीखेंगे। ठीक है, मेरा कंसर्न ये है, दो पार्टनर ए और एक न्यू पार्टनर जो कि सी आ गया, और सी पहले हुआ करता था मैनेजर, और अब उसको हमने क्या बना लिया, पार्टनर बना लिया। आगे देखते हैं क्या कहानी है। कहता है सी वाइल मैनेजर, जब सी मैनेजर हुआ करता था इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी 27,000 पर एनम। इसका मतलब जो सी था, सी मेरा जब मैनेजर हुआ करता था तो इसको कुछ क्या मिला करता था, सैलरी और कमीशन, लेकिन कमीशन का बताने का थोड़ा सा अलग तरीका है। यहां पे कहता है एंड कमीशन रिसीव 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। कहता भाई कमीशन कैसे निकालोगे, आपका प्रॉफिट देखो कितना है,
2 लाख, इसमें से पहले माइनस कर दें आप क्या सैलरी, बचा कितना 198 इंटू में 10/110, कमीशन आ गया इसका 18,000, टोटल 45,000। ये देखो कहता है जो इसको कमीशन मिलेगा वो कमीशन मिलेगा सैलरी माइनस करने के बाद, मैंने कर दिया इसका सैलरी माइनस, बचा कितना 198 और कमीशन को भी माइनस करने के बाद तो उसका मैंने कर दिया 10/110 आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो गया, यानी इसको टोटल कितना मिला करता था कब, जब मैनेजर था या पार्टनर, अगर पार्टनर बना इसको 46 भी मिल गया तो फिर 1000 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो किसकी वजह से, सिर्फ बी की वजह से। चलो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना के देख लेते हैं एक बार, चलो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। बी तो बोल रहा है मुझे इससे कम नहीं मिलना चाहिए, अभी मैं पढ़ देता हूं पूरा। चलो इसके बाद कहता है पार्टनरशिप, देखो इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी, इसका मतलब क्या है, इन द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल एंटाइटल रिसीव, जो कि सी रिसीव किया करता है एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट वुड हैव बीन कंटिन्यू एज अ मैनेजर। यहां तक का मतलब है अगर सी कोई भी फालतू का पैसा रिसीव करता है पार्टनर बनने के बाद मैनेजर के टाइम से, समझ में आया मैंने क्या बोला, जब मैनेजर था जो पैसा रिसीव किया करता था, अगर उससे ज्यादा कोई पैसा रिसीव करेगा वुड हैव बी पर्सनली बॉर्न बाय ए, जो कि पर्सनली बॉर्न कौन करेगा, यानी बी तो करेगा नहीं, ऑफ शेयर प्रॉफिट एंड 31 मार्च 2019 का 2,25,000। तो मैं कहना चाहता हूं बी के वजह से किसको बॉर्न करना पड़ रहा है, ए को, मैं ये बोलना चाहता हूं। तो बाय नेट प्रॉफिट 2,25,000। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन जवाब देना, मैंने क्या सी को पार्टनर बना लिया, बनाने जा रहा हूं ना, क्या उसको मैं सैलरी दूं, मैनेजर था तब दे रहा था अब तो नहीं दूंगा, क्या उसको कमीशन दूं, नहीं दूं, यानी ना तो मैं सैलरी दूंगा, क्यों, मैनेजर था तब मिल रहा था ना, पार्टनर में थोड़ी दूंगा, पार्टनर में क्या मिलेगा, ए बी और सी, 2,25,000 को बांट देते हैं इसमें, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 9/20, 2,25,000 फटाफट कैलकुलेट करें हर बच्चा, और 2,25,000 5/20 करो कैलकुलेट, 10/125, इसके बाद नहीं गल जब कम है ये 10/125, इसका बताओ 22,500 कैसे का 2/25 का, ये है इसका बताओ, ₹67,500 इसका बताओ, ₹56,200। चलो ए का 1,00,000, इसका 67,000, इसका, समस्या यही हो गई। अब बी बोलेगा भाई मैंने बोला था ना सी को मत बना पार्टनर, उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, पहले तो 45 में खुश था, अब 2 से 56, मैं तो नहीं बियर करूंगा, कौन बियर करेगा, ए बोलता भाई रुक जा कितना ज्यादा मिला है इसकी टेंशन है ना, ज्यादा कितना मिला है निकाल लेते हैं, पहले मिलता था अब मिल गया उसको 56,250 और पहले मिला करता था 45, तो 11,000, तो 11,250 तुम्हारे थोड़ी थे, पहले 11,250 बसते तो दोनों बांटते ना, तो आपके हिस्से तो कम हुए हैं, तो आपका हिस्सा निकाल लेता हूं मैं, कितना हुआ आपका 11,250 मल्टीप्लाई बाय बी का रेशो क्या है 2/5, पहले बी का रेशो क्या था 2/5 था ना, तो इसी का हिस्सा निकालेंगे 2/5 में, अगर इसे बांट दे तो कितना आता है 4,500, काटो इसे 4,500, कितना आ गया, समझ में आया क्या बोला मैंने,
यानी सी जब पार्टनर था तब उसे मिला 56,250, वाइल अ मैनेजर तो क्या मिलता था, 45,000 ज्यादा मिल रहा है ना। ज्यादा मिलने की वजह से बी का कितना नुकसान हो गया, एक्सेस तो 11,250 था लेकिन सिर्फ और बी का नुकसान हुआ 4,500। तो इसने बोला चलो ये लो 4,500, मैं माइनस करता हूं और अपना 4,500 लो, आपकी टेंशन खत्म। तो इसका कितना बन गया, 45 80 72,000, इसका तो पूरे रह गए और इसका माइनस करके क्या आ जाएगा, 96। ये देखो, अब कुछ बच्चों के माइंड में ख्याल क्या आता है कि सर आपने तो सिर्फ बी का निकाला, इसमें से बी का क्यों निकाला, 11,200 यहां से माइनस करके इसमें जोड़ देते, किसी बच्चे के माइंड में आ सकता है ये थॉट। अब बताओ कोई ऐसा सोच रहा है कि 11,200 अगर कम पड़ रहे हैं तो सारा ही दे दो ना बी को, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब मैं सिंपल सी बात बताऊं, जो 11,200 है वो मिला किसको ज्यादा, सी को। अगर सी मैनेजर होता तो 11,200 रुपए क्या सारा बी को ही एक्स्ट्रा मिलता, दोनों को मिलता ना। तो ए तो बोल रहा है जितना होगा मैं सेक्रीफाइस करूंगा ही, बी बोलता है मेरा मत करना, लेकिन तो बी का हिस्सा निकाल के और ए सेक्रीफाइस कर लेता है और बी में क्या करता है, जोड़ देता है जाके। और ठीक है, इसमें कोई टिपिकल पॉइंट नहीं था, सिंपल प्रॉफिट। और ये नोट करिए एक बार इसको,